आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने नए क्वार्टर की कॉलोनी की तरफ। इतनी खुशी मुझे आज तक, जो कि एक टाइप 1 कॉलोनी है और यहाँ पे जो है वो मेरे को क्वार्टर अलॉट हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने एप्लीकेशन लगाया था, मैं अभी अपने दोस्त के साथ रहता था, जैसा कि आपको मैंने बताया भी है कई बार। तो अभी मेरे को जो क्वार्टर अलॉट हुआ है वो इस लोकेशन पे अलॉट हुआ है, जो कि थोड़े से करीब 200 मीटर की दूर पे है। वो सेम कॉलोनी के अंदर ही है लेकिन अलग टाइप का है, ठीक है। तो ये आप सामने देख पा रहे होंगे कि सभी ये बिल्डिंग जो बनी हुई है जितने भी हैं, ये टाइप 1 क्वार्टर है। टाइप 1 क्वार्टर और टाइप 2 क्वार्टर में क्या डिफरेंस होता है उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आपने देखी नहीं है तो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। मतलब आपको मैं सिखा, ठीक है। तो ये अभी वे है, जाने का पूरा रास्ता है उधर से, जहाँ से आप अभी देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये भी बिल्डिंग है, ये थोड़ी सी डिफरेंस है सभी टाइप 1 अभी सामने जो दिख रही थी और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहीं पे इसी बिल्डिंग में जो सामने दिख रही है, इसी बिल्डिंग में मेरे को क्वार्टर अलॉट हुआ है। नीचे ग्राउंड फ्लोर का ही है, फर्स्ट क्वार्टर है ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, फर्स्ट वाला यही क्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है बाइक वाइक खड़ी करने का, और ए है ये, ए मतलब ABCD वाला ए है ये। चलो अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। ये क्वार्टर मिला हुआ है मेरे को, अभी लेटेस्ट में मिला है। हालत तो थोड़ी सी अभी साफ़ सुथरी नहीं है इतनी, इसको साफ़ करना पड़ेगा। बट रहने लायक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें पेंट होना है, वाइट वॉश के लिए बोला है तो वो होगा। ये टॉयलेट बाथरूम है, क्या ही दिखाना है इसको। बाकी ये एक कमरा है, इसको टाइप 1 कहा जाता है, टाइप 1 टाइप का। मैं भी क्या बोलूँ। उसके बाद ये इधर वार्डरोब है, ठीक है कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। एक आदमी के लिए बहुत पर्याप्त है ये, मोर देन सफिशेंट है। अपनी फैमिली के साथ एक आदमी कोई भी रह सकता है, इनफैक्ट अगर वैसे कोई हो तो 2 जने 3 जने भी रह सकते हैं, अगर बैचलर हो तो। अभी इसकी साफ़ सफाई करनी है, ऊपर एक भाई से ये सब मांग के लाया मटेरियल, तो चलो साफ़ सफाई स्टार्ट करता हूँ, अकेले ही हूँ फिलहाल। तो
काफी हद तक सफाई हो चुकी है, मतलब जो डस्टिंग थी वो हो चुकी है, झाड़ू वाड़ू लगा लिया है और जहाँ पे भी गंदगी दिख रही थी वो ठीक कर लिया है। हालांकि इस पूरे क्वार्टर में पेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है, देखो कब तक होता है। तो दिखाता हूँ मैं, ये दो बॉक्स भर के तो ये पूरा सामान था, इसको इधर निकाला हुआ है, यहाँ से पूरा सामान निकाला है और पूरी साफ सफाई झाड़ू लगा है, ठीक है। इसके बाद इधर ये पूरा पन्नी भर के सामान निकाला है, तो अभी झाड़ू लग गया है, मतलब जितना लग सकता था मैक्सिमम लग चुका है। बस अब क्या करना है वो ये है कि अब पानी से थोड़ी सफाई करनी है इसकी, पानी से सफाई करेंगे थोड़ा धोएंगे और धो के उसके बाद फिर देखते हैं हो सकता है थोड़ा सा। ये देखो ये क्या हो, यहाँ पे सरकारी जो भी होता है ना बड़ा, यहाँ से पानी निकालता हूँ, अभी तो कम हो गया है वरना ज़्यादा जब भरा हुआ था यहाँ से निकालता हूँ इधर घुस जाता है, इधर से निकालता हूँ इधर घुस जाता है, ढलान इधर को जा रही है, इधर ढलान जा रही है, इधर पानी घुसा हुआ है इधर वाइपर नहीं घुस रहा, क्या सिस्टम है, ढलान का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ढलान बाहर को होनी चाहिए तो ढलान अंदर को रखी है। ज़्यादा उधर करूँगा तो कमरे में घुस जाएगा उधर जाके, ये देखो चार बार रंग चलेगा पानी, हमेशा हालत खराब हो गई था करते, जितना समय कमरे में नहीं लगा ये पीछे वाले कमरे में इतना समय नहीं लगा, उससे ज़्यादा तो इस वाले हॉल में लग गया समय, ये हॉल में ज़्यादा टाइम लगा, उसके बाद ये किचन जो है इसमें तो और ही ज़्यादा समय लग गया था, किचन में ढलान ही नहीं समझ में आ रही कहाँ जा रही है, पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है, वाइपर कहाँ जा रहा है तो समझ, वाइपर घुस ही नहीं रहा जहाँ घुस है। बस अब थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, ये वाला पोर्शन, इतना इतना सा पोर्शन रह गया है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, मेरे ख्याल से दो घंटे तक हो गए हमें काम करते करते, कमर बिल्कुल टेढ़ी हो गई है मेरी, बिल्कुल सीधी नहीं हो रही है, कल ड्यूटी भी जाना होगा, रेस्ट भी नहीं मिलेगा, फिर देखो कब शिफ्ट करता हूँ, फिर शिफ्ट करूँगा जब बताऊँगा दिखाऊँगा भी क्या कब शिफ्ट कर रहा हूँ, अभी तो पूरा सामान वामान लेना है, सब कुछ करना है, मतलब ए टू जेड ये समझ लो सब कुछ करना है मेरे को अभी, तो थोड़ी देर का और काम रह गया, आधे घंटे का काम और रह गया, बस इसको निपटा के फिर चलते, फिर मेरे को भी नहाना है क्योंकि अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ, और जब से आया ड्यूटी से आया खाना भी कुछ खास नहीं खाया, दलिया बनाया था मैंने, दलिया खा लिया था, उसके बाद दलिया खाने के बाद आ गया इधर काम करने के लिए, मैंने कहा इसको साफ़ सफाई कर ले, वैसे भी आज नया साल है तो वरना फिर ये पड़ा ही रहेगा, इसलिए इसको आज मैंने कर दिया, थोड़ी आधे घंटे काम हो रही है, फिर चलते नहाते वहाते, फिर आज शाम देखते कहीं जाना हो पाया तो सफाई हो चुकी है, अभी सभी पूरा अच्छे से साफ कर दिया है जितना मैं कर सकता था, जितना मुझे समझ में आ रहा था, तो कुछ इस प्रकार से हो गया है, पहले देखा था जब मैं एंटर हुआ था तो कितनी गंदगी थी, अभी थोड़ा साफ हो गया है, हालांकि ये जब इसकी वाइट वॉश हो जाएगी तो और अच्छा साफ दिखेगा, अभी तो डस्टिंग और कूड़ा कचरा जो भी था वो सभी हटा दिया है, ठीक है ये सभी हो गया है, साफ हो गया है, किचन विचन भी साफ कर दिया है, बस अब शिफ्टिंग करनी है, किसी दिन जिस दिन पता ही होगी उसके अगले दिन फिर थोड़ा सा और गंदगी हो जाएगी तो और थोड़ा सा साफ करना होगा, तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत रह गया है उसमें साफ हो जाएगा, तो ये था, अभी जाना है जाके नहाते हैं, नहा के देखता हूँ फिर क्या प्रोग्राम है, उसके बाद फिर कुछ वीडियो बनेगा तो बनाऊंगा, नहीं तो जितना ये हो चुका है जैसा भी है वो उसको अपलोड करूंगा, तो आप जरूर देखना, ठीक है। अभी ये तो इंडोर शूटिंग हो गई पूरी, इंडोर का जो जो था आज क्या कर दिया, बाहर जाते हैं, बाहर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है व्लॉगिंग कर पाना, क्यों, क्योंकि क्या होता है पब्लिक क्या है ना आप ही को देखती है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आप ही बन जाते हो, तो इसमें थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, अभी थोड़ा इतना खुला भी नहीं हूँ व्लॉगिंग करने में, तो बाहर की देखेंगे जब जैसा हो पाएगा करेंगे, ठीक है। तो आई होप जितना भी ये जैसा भी जितना भी छोटा सा ब्लॉग था वो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करना, और अगर आपसे आपको कोई भी इससे मोटिवेशन मिलती है, इसमें मैं आपको डे टू डे जो लाइफस्टाइल होती है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी ब्लॉग नहीं बन पाता कभी बन पाता है,
तो इस वजह से अभी तक ज़्यादा व्लॉग भी नहीं आए हुए हैं, तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं करूँगा आगे। अभी मैं नहा चुका हूँ, जैसे कि मैं बोला था कि मैं अभी जा रहा हूँ नहाने, नहाने वाने के बाद फिर देखेंगे क्या प्लान है अभी बाहर जाने का। तो अभी बाहर जाने का प्लान बनाया है, ज़्यादा लोग नहीं है, 2-3 लोग हैं, तो मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे रूम में रहता है, मैं जिसके रूम में रहता हूँ कहने के लिए, और एक और है जो कहीं और किसी के रूम में रहता है, तो उसके साथ जाएंगे। तो ट्राई करता हूँ कि बाहर का अगर कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ विद ऑल माय करेज, अगर हो पाएगा तो सही है, नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना दिखाएंगे। और अगर बाहर पब्लिक बहुत रहती है तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता और बोला भी नहीं जाता, वैसे भी कुछ नहीं बोला जाता। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो ट्राई करता हूँ। तो अभी तैयार व्यार हो गए हैं, ऑलमोस्ट निकलते हूँ, निकलने के बाद से देख जो जो हो पाएगा वो सभी इसमें ऐड किया जाएगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल। वीडियो तो बहुत ही काला आ रहा है, देख।